ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हर रोज़ अपने चैनल पे आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। हम हर रोज़ माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएँ। दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप भी घर में लड्डू गोपाल को लाना चाह रहे हैं तो पहले जान लें कि क्या है उनके सेवा के कुछ नियम। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़ें हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर भी करें, जिससे कि दोस्तों सभी लोग इस वीडियो में दी गई जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सकें और लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा कर सकें। दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत जल्द आने वाला है। जन्माष्टमी हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों हम बता दें कि इस साल जन्माष्टमी 6 सितंबर की रात से शुरू होकर 7 सितंबर 2023 तक रहेगी। जी हाँ, जन्माष्टमी के खास मौके पर कई लोग भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की मूर्ति गलाते हैं। अगर आप घर पर लड्डू गोपाल लाने की सोच रहे हैं तो उनकी सेवा के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना ज़रूरी है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वही नियम बताने जा रहे हैं, सेवा के नियम जो कि बहुत ज़रूरी हैं लड्डू गोपाल की सेवा के लिए। पहली बात करते हैं स्नान की। नियमित रूप से प्रातःकाल लड्डू गोपाल को मौसम के अनुसार ठंडे या गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। वस्त्र पहनाएं। स्नान के बाद लड्डू गोपाल को साफ सुथरे वस्त्र पहनाने चाहिए। सर्दियों में गर्म वस्त्र और गर्मियों में हल्के कपड़े पहनाएं। जी हाँ, नियमित रूप से लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जहाँ तक की बात रही भोग की, तो सुबह शाम लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भोग लगाने वाला भोजन हमेशा सात्विक होना चाहिए। लड्डू गोपाल को रात में सुलाएं और भगवान को लोरी सुनाते हुए ही सुला सकते हैं आप चाहें तो, इस बात का भी ध्यान रखें। जन्माष्टमी के खास मौके पर लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएं। साथ ही विशेष पर्व पर लड्डू गोपाल को नए और साफ वस्त्र पहनाएं। दोस्तों ये हैं वो कुछ नियम जो लड्डू गोपाल से जुड़े हुए हैं, जो आपको लड्डू गोपाल यदि आप घर लाते हैं तो उनकी सेवा में इसी अनुसार इन नियमों का पालन करना है। ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल कृष्ण जी के बाल स्वरूप हैं, तो वो एक बच्चे की तरह ही बाल स्वरूप हैं, तो चंचल और शरारती होते हैं, नटखट होते हैं, इसलिए आपको इनकी सेवा बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही करनी पड़ेगी। चाहे वह स्नान हो, चाहे भोग हो, चाहे कपड़े हो, चाहे सुलाना हो, सब आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। जी हाँ, तो इसलिए इस चीज़ में आप बिल्कुल भी गलती ना करें, इसलिए हमने आपको ये नियम बताए हैं। यदि घर ला रहे हैं तो पूरे मन से लड्डू गोपाल की सेवा करें और आपको यदि लड्डू गोपाल का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो विश्वास मानिए कि आपके जीवन के सारे संकट खत्म हो जाएंगे और लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से आप अपने परिवार के साथ एक सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।